यूजेज़ ऑफ़ कम्पाउंडस एंड मिक्सचर्स वाटर इज़ यूज इन होम्स इन इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल कार्बन डाईऑक्साइड इज़ अ कम्पाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्लांट्स यूज़ इट टू मेक फूड इट इज़ यूज टू मैन्यूफेक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र एंड द ब्रेड इट इज़ आल्सो फिल्ड इन सोडा बोटल्स तो कार्बन डाईऑक्साइड का यूज़ क्या है प्लान्स इसे यूज़ करके अपनी खुराक तैयार करते हैं इसके अलावा इसका दूसरा यूज है एज आ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है और तीसरा इसका यूज है सोडा बोटल्स में फिल किया जाता है सोडियम क्लोराइड इज़ कॉमनली नोन एज द टेबल साल्ट इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट्स पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स वी एड इट टू ओवर फूड टू मेक इट साल्टी इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या है ये नमक है जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है इसे यूज़ किया जाता है फ़िश और पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने में हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा में भी ये यूज़ होता है शरबत इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर टेबल साल्ट एंड लेमन वी यूज़ इट इन हॉट समर डेज़ Salad is a mixture of different vegetables such as onion, carrot, radish, beet, cucumber, tomato and cabbage. Ice cream is a mixture of milk, sugar and flavor. Milk is a mixture of water, fats, proteins and carbohydrates. Tincture of iodine is a mixture of iodine and alcohol. वी अप्लाई इट ऑन कट टू किल द जम्स तो आपको पता है कि सैलड मिक्सचर है डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का आइसक्रीम मिक्सचर है मिल्क का शुगर का फ्लेवर का मिल्क मिक्सचर आपके पास वाटर फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का और इस तरह से आयोडीन मिक्सचर आपके पास आयोडीन और अल्कोहल का

द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन गैस तो एयर में नाइट्रोजन गैस की जो परसेंटेज है वो सेवेंटी एट परसेंट है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट है मैनी अदर गैसेज लाइक कार्बन डाईऑक्साइड हीलीयम एसेट्रा फॉर्म रिमेनिंग वन परसेंट ऑफ एयर ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड बिसाइड गैसेस एयर आल्सो कंटेंस वाटर वेपर्स पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स तो गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स हैं स्मोक और पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट हैं लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एयर में वो जीरो पॉइंट जीरो थ्री से लेकर जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट है ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग प्रोटोसेंथिसिस और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं नेचर हैज़ मैनेज द लेवल ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बाई डिफरेंट मैथड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व दिस गैस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बाय द बर्निंग ऑफ फूड कोल एंड ऑयल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो लेवल है एयर में वो मेंटेन कैसे रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसका आंसर ये है कि नेचर ने जो है वो मैनेज किया है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इवॉल्व करते हैं इस गैस को एक्स्पायरेशन के दौरान और जब लकड़ी को जलाया जाता है कोल को ऑयल को तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अब हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग मिक्सचर्स टेक्निक्स पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड इन विच वी यूज़ आ फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ टू सेपरेट इन सोलिबल सॉलिड ऑफ मिक्सचर फ्रॉम आर लिक्विड तो फिल्ट्रेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सोलिड पार्टिकल्स को लिक्विड मिक्सचर में से सेपरेट कर लेते हैं वी यूज़ टेनर फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्राम टी दिस इज़ आल्सो आ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन आ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट सोलिड इम्प्योरिटीज फ्राम डर्टी वाटर तो आपने देखा है जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाते हुए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेनर को ताकि पत्ती अलग हो जाए और लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाए